आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही अब ग्रामीणों को अपना घर का सपना होगा आसानी से पूरा, कम ब्याज दरों पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए गुड न्यूज, आपके लिए अब दूसरा व्यक्ति उठा सकेगा राशन, सरकार ने दी है ये खास सुविधा, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही देश में आज लॉन्च होने वाला है सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोर नेस्ट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई है डेडलाइन, अब 31 दिसंबर तक का है समय। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख और भी बढ़ाई जा सकती है। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने यहां पर गुरुवार को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, पहले इसे बढ़ाकर अब यहां पर 30 सितंबर किया गया था, अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए पोर्टल में जारी तकनीकी खामियों के चलते बीच में यहां पर हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर देश के प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के MD से यहां पर मुलाकात की थी। वहीं वित्त मंत्री नाराजगी जताते हुए उनसे मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया था कि करीब 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी इस पोर्टल पर ये जो पोर्टल है इनकम टैक्स विभाग का वो सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री ने पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए यहाँ पर इंफोसिस को 15 सितंबर का समय यहाँ पर दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्रामीणों का अपना घर का सपना होगा आसानी से पूरा, कम ब्याज दरों पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश भर में डाकघरों से भी यहाँ पर अब ग्राहक होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक करार यहाँ पर किया है। इस करार से अब यहाँ पर IPP के 4.5 लाख से अधिक यहाँ पर ग्राहकों को होम लोन के लिए बैंक के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देश भर में 750 से अधिक ब्रांच है। इस करार के बाद अब ग्राहक देश भर में 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट से होम लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं। खासकर वेतन भोगियों को यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ इसे करार के बाद 6.6% ब्याज की दर से यहाँ पर 50 लाख रुपये का होम यहाँ पर जो लोन है वो यहाँ पर मिल सकता है। वही डाक विभाग का कहना है कि इस करार का बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा। वही ग्रामीण ग्राहक और शहर में भी यहाँ पर ग्राहक मकान बनाने यहाँ पर होम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास 2 लाख से ज़्यादा डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक है जो माइक्रो ATM और बायोमेट्रिक डिवाइस से कर जाकर अपनी सेवा यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो EPFO के 6 करोड़ कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, PF खाते में डाली जाएगी मोटी रकम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबरों को PF के ब्याज का इंतजार है। वही त्योहारों से पहले सदस्य कर्मचारियों के PF खाते में 8.5% की दर से ब्याज का पैसा डाला जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाम न जाहिर करने की शर्त पर दो अधिकारी ने बताया है कि सरकार की तरफ से जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में महंगाई भत्ता आएगा संयोग से उसी वक्त यहां पर EPFO का ब्याज भी खातों में ट्रांसफर यहां पर होने वाला है। वहीं EPFO के सेंट्रल बोर्ड ने यहां पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। वही EPFO ने 8.5% ब्याज पर फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी यहां पर इसे मांगी है। मुमकिन है कि जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पर अपने अपने मोहर लगा देगी। वही फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए EPFO को जैसे ही यहाँ पर वित्त वर्ष मंत्रालय से 8.5% ब्याज की मंजूरी मिलेगी वह कर्मचारी और पेंशन भोगियों के खाते में पैसे में यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बदला है आधार कार्ड से जुड़ा ये बड़ा नियम। उदय ने आधार कार्ड को डाउनलोड करने के प्रोसेस को किया है और आसान। आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों से एक है जो हर भारतीय के पास होना आवश्यक है।
वहीं आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाने, वाहन पंजीकरण कराने से लेकर होम लोन के लिए भी यहाँ पर जरूरी होता है। यही कारण है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके यहाँ पर दोनों तरीके से यहाँ पर आधार को एक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि अब आपके पास आधार डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड फोन नंबर होना जरूरी नहीं है। वही आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था उदय ने यहाँ पर हाल में ही एक नया यहाँ पर बदलाव यहाँ पर किया है, जिसके बाद आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी नहीं है, ये बात यहाँ पर कही गई है। वही बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको देखी हुई अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर माय आधार विकल्प चुनना होगा। वहाँ ऊपरी देखे कोने में स्थित ड्रॉप डाउन मेन्यू आप पा सकते हैं। वही इसके लिए एक बार फिर आ जाने के बाद माय आधार पर पहुँच जाते हैं तो स्क्रीन दिखाई देने वाले ऑर्डर आधार रिसिप्ट का विकल्प के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपको 12 अंकों का आधार नंबर या फिर अपना 16 अंक वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। फिर आप उसी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, आपको एक सुरक्षा कोड यहाँ पर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आपका ये आधार कार्ड यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश का सबसे सस्ता फोन जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री आज से। जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन को लेकर पिछले काफी समय से लगातार जानकारियां सामने आ रही है। फोन को भारत में आज यानी 10 सितंबर को लॉन्च यहां पर किया जाएगा। वह जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान जून में आयोजित 44वीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम की मीटिंग में यहां पर किया गया था। वह रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में मिलकर बनाए जा रहे इस स्मार्टफोन को बहुत ही किफायती फोन बताया जा रहा है। वही जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का अभी यहाँ पर कोई किसी तरह का कंपनी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई बार लीक में यहाँ पर फोन को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। वही जियो फोन नेक्स्ट की गूगल यहाँ पर इस फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर, वॉइस असिस्टेंट और लैंग्वेज ट्रांजिशन जैसे फीचर्स के अंदर यहाँ पर दिए जाएंगे। वही रिलायंस ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ऐलान रिलायंस ने किया था कि जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर ने आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि एक रिपोर्ट में पता चला है कि कंपनी फोन की बिक्री के लिए अपने रिटेल पार्टनर से यहाँ पर बात कर रही है। अभी तक जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लीक जानकारी से पता चलता है कि इसकी बेसिक जो कीमत है वो यहाँ पर 3499 रुपये होगी। वह एडवांस वेरियंट वाले फोन की कीमत 5000 रुपये हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव, नए रेट आज से हुए हैं लागू। एक्सिस बैंक ने 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में यहाँ पर बदलाव किया है। बैंक ने हाल में ही अपने घरेलू फिक्स डिपॉजिट और NRI फिक्स डिपॉजिट के लिए नई ब्याज दरें यहाँ पर संशोधित यहाँ पर किया है। वही एक्सिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक की संशोधित ब्याज दरें आज से प्रभावी हो जाएगी। वही बैंक में FD के लिए अगर आप ऑनलाइन मोड चुनते हैं तो बैंक के पास न्यूनतम राशि आपके पास 5000 रुपये होनी चाहिए। यदि आप अपने नज़दीकी शाखा के माध्यम से अगर इसे करना चाहते हैं तो कम से कम 10000 रुपये होना चाहिए। वह रेगुलर कस्टमर के लिए नई ब्याज दरें 2.50% से लेकर 5.75% तक है। वही घरेलू FD खाता रखने वाले सीनियर सिटीजन के लिए 2.50 से यहाँ पर 6.5% की ब्याज दर पर FD वो करा सकेंगे। वही NRI कस्टमर के लिए 5 करोड़ रुपए से कम के खातों के लिए ब्याज दरें 5.10% से बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो गन्ना किसानों के लिए आई है खुशखबरी, पंजाब के बाद हरियाणा ने बढ़ाए हैं गन्ने के दाम। गन्ना में किसानों और प्रशासन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच हरियाणा सरकार ने भी गन्ने के मूल्यों में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी है। अब यह किसानों को 362 रुपए क्विंटल का रेट यहाँ पर मिलेगा। बताया जा रहा है कि शुगरफेड की बैठक में यह बड़ा फैसला यहाँ पर हुआ। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस वृद्धि के साथ ही हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना का मूल्य देने वाला राज्य यहाँ पर बन गया है। वही पिछले दिनों पंजाब सरकार ने 360 रुपये यहाँ पर रेट घोषित किया था, 2 रुपये प्रति क्विंटल अधिक देने के साथ ही हरियाणा ने एक बार फिर यहाँ पर खेती के मामले में पंजाब को दबाव मिलाने का मौका मिल गया है। मतलब हरियाणा ने पंजाब को यहाँ पर दबाव मिला दिया है। वही किसान आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने थे। दोनों ही अपने आप को यहाँ पर किसानों का सच्चा हितैषी बता रहे थे। वही पिछले महीने तक भी हरियाणा देश का सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य था, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए इसके रेट को रिकॉर्ड 50 रुपए क्विंटल की वृद्धि करके इसे 360 रुपए दाम कर दिए थे। इसके बाद नंबर वन होने का हरियाणा का तमगा यहाँ पर छिन गया था। इसके बाद ही यहाँ पर माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार फिर से दाम में वृद्धि करेगी। ऐसा ही हुआ, प्रति क्विंटल 12 रुपए की वृद्धि कर सबसे ज्यादा दाम वाला राज्य यहाँ पर हरियाणा हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले महीने बाजार में आ सकती है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन।
अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन अगले महीने से बाजारों में यहां पर मिल सकती है। वहीं भारत में इसका निर्माण हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई कर रही है। वहीं पिछले महीने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCA ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। वहीं कोरोना को मात देने के लिए भारत के पास अब कुल मिलाकर 5 इमरजेंसी वैक्सीन उपलब्ध है। वहीं भारत में सबसे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद स्पुतनिक वी, फिर मॉडर्ना, फिर जाइडस कैडिला की जो यहाँ पर चुनकोटी सरकार को ने यहाँ पर इसको हरी झंडी दी थी। अब जॉनसन एंड जॉनसन को भी जो सिंगल डोज ऐसी वैक्सीन को भी मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। अगले हफ्ते तक फाइनल टेस्ट के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला यहाँ पर भेजा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो वोडाफोन आइडिया को झटका, राजस्थान सरकार ने 27 लाख रुपए का ठोका है जुर्माना। राजस्थान सरकार की तरफ से टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल डाटा लीक के मामले में राजस्थान सरकार ने टेलीकॉम कंपनी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि आईटीएक्ट 2000 के तहत कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान में आईटीएक्ट के तहत जुर्माना लगाने का यह अपने आप में पहला मामला है। वह अधिकारियों ने INS को यहाँ पर बताया है कि अगर कंपनी निर्धारित समय से पीड़ित को जुर्माना राशि नहीं देती है तो उसे हर महीने 10% ब्याज देना होगा। वही एक अधिकारी के मुताबिक रीडर्स का मोबाइल सिम डैमेज हो गया था, उसने डुप्लीकेट सिम के लिए अप्लाई किया था। हालांकि टेलीकॉम कंपनी की ओर से ये सिम दूसरे यूजर्स को बिना किसी वेरिफिकेशन के दे दिया गया। अब दूसरे यूजर्स ने पहले व्यक्ति के खाते से 68 लाख रुपये निकाल लिए थे, क्योंकि पहले यूजर्स का सिम कार्ड सभी ऑनलाइन बैंकिंग ओवरड्राफ्ट और फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। वह पीड़ित को जब इस बात का पता चला तो उसने आईटीएक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजा देने का दावा किया था। वही 5 दिन बाद पीड़ित को यहाँ पर डुप्लीकेट सिम चालू हुआ, जिसके बाद उसके पास विड्रॉल के मैसेज आने लगे और उसे ठगी के बारे में पता चला। आपको बता दें कि ये मामला 2020 में सामने आया था। वही आलोक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान वोडाफोन आइडिया पर 27 लाख रुपए इस केस में यहाँ पर जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी ने निर्देश दिया है कि वो एक महीने के अंदर पीड़ित को अगर इस राशि का भुगतान नहीं करती है तो ऐसा नहीं किया तो उसे हर महीने 10% के हिसाब से पीड़ित को यहाँ पर ब्याज देना होगा।